हेलो डी फ्रेंड्स बैंक स्ट्रीम में आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पे हम बैंकिंग एंड पेंशन की न्यूज़ देखते हैं दोस्तों तो अभी टू न्यूज हैं हमारे पास वन रिगार्डिंग द पीएमओ ने कैसे रिप्लाई करा टू मिस्टर सी एन वेणुगोपालन जी एंड द सेकंड दैट इज गुड न्यूज़ फ्रॉम पी बैंक एंड अदर बैंक्स बिकॉज दिस टाइम हाउ द बैंक्स आर पेइंग द पेंशन टू द पेंशनर्स दोस्तों सो हाउ पी एम रिप्लाइज टू मिस्टर सी एन वीणु गोपालन जी फॉर हिज लेटर टू पी एम ओ रिगार्डिंग पेंशन फंड मिस अप्रोप्रिएशन टो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल्स चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम ऑफिशियल साइट पर जाएँ तो ग्रीवियंस कंसर्न टू सी एन वीणु गोपालन जी डेट ऑफ रिसिव फोर्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिसिव बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तो उसमें जो रिप्लाई करा है पी एम ओ ने वो एग्जैक्टली earlier we have received letter dated 26 september 2022 on the subject matter that is regarding pension updation from the complaint shri c n vinu Gupalan, and we had already replied by right, our letter number h r e v d 13502 22 dated 26 september 2022 by which we have informed him that bank is yet to receive any instruction इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डी एफ एस आई बी ए रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अभी कैसे डी एफ एस कैसे पी एम ओ ने क्विक बट एबसर्ड कमेंट दिया है रिगार्डिंग द पेंशन अपडेशन एंड द मैटर जो मैटर है इस लेटर uh, का जो स्टेटस है वो दोस्तों क्लोज कर दिया पी एम ओ ने सो दिस वॉज़ दी न्यूज़ एंड सेकेंड न्यूज़ दैट इज़ गुड फॉम पी एन बी डिसमेंट ऑफ स्टाफ पेंशन फॉम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑन ट्वेंटियथ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली ये आपको पता ही है अभी जो पेंशन है वो इस महीने जल्दी आ रही है दोस्तों बिकॉज जो आई बी ए की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है उसका जो प्रीमियम पेमेंट प्रीमियम पेमेंट कट ऑफ डेट वो ट्वेंटी सेवंथ के अराउंड है तो पेंशन मोस्ट प्रॉबली ऑल द बैंक्स आर गोइंग टू क्रेडिट इन योर अकाउंट बाय ट्वेंटियथ और ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ द अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स इन एच आर एम एस इज अवेलेबल फॉर पेंशनर्स टेल फिफ्टी अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑन अकाउंट ऑफ अर्ली डिसबर्समेंट Or pension, so hence, all pensioners are requested to submit their investment in HRMS in time to avoid tedious on pension due to non submission of investment details. So, those, so this was the major good news, and one news regarding how the PMO replies that's quite uh, absurd. Those, so kindly subscribe to channel for latest banking and pension updates. Thank you.